गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा संक्रमण तत्वों के धात्विक गुणों को समझाइए। अब धात्विक गुण क्या होते हैं वो आपको पता है। धातुओं में क्या होती है बेटा, देखो संक्रमण तत्व जो होते हैं यानी ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनमें मेटेलिक लस्चर होता है। मेटेलिक लस्चर यानी कि इनमें धात्विक चमक होती है। दूसरी, इनका घनत्व हाई होता है, हाई डेंसिटी होती है, उच्च घनत्व। तीसरी, हाई एमपी मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक होते हैं, हाई बीपी बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उच्च क्वथनांक होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक। बिल्कुल होते हैं बेटा, लोहे की कील को एक बार बोर्ड में डालना, मज़ा आएगा, झटके खाओगे हैं। अब ऐसा क्यों होता है इनमें, चलो मतलब ऐसा तो, ये तो खैर ये प्रॉपर्टी उसमें होती है ही, हाई डेंसिटी क्योंकि मेटल है। अब मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं बेटा, मतलब सामान्यतः कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर होते क्यों हैं ये बेटा, इसका कारण ये है क्योंकि इनमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड यानी कि धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक बंध पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। इनमें इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और बेटा ये सारे गुण किसके हैं, धातुओं के होते हैं। तो ये क्या है, होते हैं सारे धातु होते हैं, इनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं। निम्न आयनन ऊर्जा, कारण भी मैंने बता दिया क्यों होते हैं ये ऐसे, क्योंकि इनमें धात्विक बंध पाया जाता है और सबके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री रहते हैं। एस में 4s में कहीं 1 होता है और 4s में कहीं कहीं 2 होते हैं। तो ये तो होते ही हैं, जिससे ये क्या कर लेते हैं, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिसके कारण इनका आयनन ऊर्जा क्या होती है बेटा, कम होती है। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरकीय गुण क्या होते हैं बेटा, देखो अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करें वो होते हैं उत्प्रेरकीय गुण, यानी संक्रमण तत्व या इनके यौगिक जो होते हैं वो उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, देखो इनके पास क्या होता है, NH2 N-1d 1-10। NH2 तो ठीक है, इसके N-1d ऑर्बिटल में क्या होते हैं, फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी फ्री वैकेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल वैकेंट, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं ज़्यादातर। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा बेटा, ये अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए जगह दे देंगे। यानी कोई मेटल है और कोई रिएक्टेंट है, ये मेटल है किसी रिएक्शन में किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो इसमें ये जो रिएक्टेंट है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब, ये दो रिएक्टेंट इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गए, इनको रिएक्शन करने के लिए बेटा जगह मिल गई। अब ये रिएक्शन करेंगे तो इनके ये क्या करता है, मेन काम ये करता है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये रिएक्टेंट यहाँ से क्रिया करता रहेगा, एक ऊर्जा के बाद जाके नीचे उत्पाद बनाएगा, पर यही उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम हो जाता है। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहीं से क्या कर लेगा, ये क्रिया कर लेगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसका
इसको सतह दे दी, इसके सतह पर क्या हो जाते हैं बेटा, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, सरफेस पे क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब अधिशोषित हो जाते हैं। जबकि अगर कैटलिस्ट नहीं है तो इसको यहाँ पर रिएक्शन होती, उसके बाद ही उत्पाद बनता। तो यही होता है बेटा एक तो कारण इसका, और दूसरा कारण होता है बेटा इसका जो वेरिएबल वैलेंसी है, या वेरिएबल वैलेंसी बोल सकते हैं, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्ती संयोजकता और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, इनके यौगिकों में परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होने का गुण होता है। इस गुण के कारण ये क्या करते हैं, उत्प्रेरकी गुण को प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं, SO2 टू SO3, इसमें बेटा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेते हैं। यहाँ पे वेनेडियम जो है ना वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट का मस्त फ़ायदा उठाता है। पहले इसकी प्लस फाइव है, बाद में इसकी प्लस फोर हो जाती है और वापस अपनी कन्वर्ट कर लेता है प्लस फाइव में। तो ये इसका कारण है। जैसे देखो SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना, ये लो भैया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ने इसको एक ऑक्सीजन दे दिया, ये लो ये V2O4 बन गया, ये SO3 बन गया। यहाँ पे SO3 बनता हुआ तो दिख रहा है तुम्हें, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या करेगा, वायुमंडल के ऑक्सीजन से फिर से ऑक्सीजन लेके V2O5 बना लेगा, क्या करेगा V2O5 बना लेगा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस चार हो गई, यहाँ प्लस पाँच थी, यहाँ पर इसने अपने आप को क्या कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया, अपचयित हो गया ये। इसने अपनी एक ऑक्सीजन को देखकर अपनी ऑक्सीकरण संख्या क्या कर ली, कम कर ली, परिवर्तित कर ली। इसलिए ये क्या करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण का को दर्शाते हैं। और तीसरी चीज़ एक और होती है, ये जब इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, जैसे देखो मान लो एक रिएक्टेंट है ए, एक रिएक्टेंट है बी, सी लिया हमने कैटलिस्ट, तो क्या होता है सी क्या करता है ए और बी के साथ एक अंतरकाशिक सॉरी संकुल का निर्माण कर लेता है, संकुल यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, या फिर बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, अनस्टेबल अस्थाई, अनस्टेबल यौगिक बनाता है, क्या बनाता है अनस्टेबल कंपाउंड, अस्थाई यौगिक जो आगे क्या करता है फटाक से स्थाई होने के लिए प्रोडक्ट देता है डी। तो यही होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं अंतरमाध्यमिक यौगिक, अंतरमाध्यमिक यौगिक बनाता है किसके साथ, सी के साथ, क्योंकि ये इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया। अब ये पूरा एक सिस्टम बन गया, ये फटाक से स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेगा, जिसके कारण इसकी क्या बढ़ जाएगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। और उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है। यही है बेटा आज के दोनों क्वेश्चन।